हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बोलते हैं कि स्टिक से चलूँ मैं, और वो भी 10 या 20% वेट डाल के। तो क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि इतना वेट डाल के हम स्टिक से चल पाएंगे? मुझे तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं स्टिक से ऐसे चल पाऊँ 10 या 20% वज़न डाल के। तो यार ऐसा मतलब क्यों, ये लोग ऐसा क्यों बताते हैं कि अभी मेरी ऐसी कंडीशन भी नहीं है, फिर भी बताए कि नहीं नहीं आप स्टिक से चलो। स्टिक से चलने वाला मेरा कंडीशन ही नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैंने इसके पहले आगे एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं स्टिक से कंफर्टेबली चल पा रही हूँ पूरे का पूरा वज़न डाल के। बट वो कंडीशन मेरे फ्रैक्चर की नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि टुकड़े वाला फ्रैक्चर है, और कुछ टुकड़े तो डॉक्टर ने ऐसे ही निकाल दिए थे, तो वो सारी चीज़ भरने में बहुत टाइम जाता है दोस्तों। बट वो लोग को इतना समझ नहीं आता है कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, ठीक है? तो कुछ भी बता देते हैं कि आप ऐसा करो। मतलब सब ऐसा नहीं होते हैं, मैं सब पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस जाने दो, ये आए तो बस उसको हमने बता दिया भाई ये करो, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि स्टिक से चलना मेरे लिए अभी सही है, और मैं चलूँगी भी नहीं। उससे तो बेटर है कि भले टाइम लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा है, बट वॉकर से चलूँ तो ये मेरा पैर का अभी सेफ्टी रहेगा, क्योंकि स्टिक से चलने में मेरे पैर में एक गैप आई थी, और वो भी मैं एक बार घूमने गई थी स्टिक्स लेके, बहुत मतलब चला था 10-12 किलोमीटर मैंने मेरे पैर से चला था, और वो भी ऐसे दो बार मैंने इतने सारा चला था स्टिक से पूरा वज़न डाल के। और उसी दिन मेरे पैर में जो फ्रैक्चर जो जुड़ रहा था ना, उसके बीच में बड़ी सी गैप हो चुकी थी। तो ये जो डॉक्टर अभी मुझे बता रहे हैं ना कि आप स्टिक से चलो वो भी 10 या 20% वेट डाल के, तो भाई मैं तो ऐसे चलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा रिस्क मुझे नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के कहने पर मैंने चल के देखा और क्या सीन हुआ वो मैं आज वो भुगत रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं स्टिक से नहीं चल पा रही हूँ दोस्तों, और पता नहीं ये वॉकर भी मेरे हाथ से कब जाएगा, बट हाँ मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मेरा जो रिकवरी है वो जल्द से जल्द हो जाए, और आगे के जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो एक बार आप अपना एक्सरे और आपके फ्रैक्चर की कंडीशन चेक करने के बाद ही कुछ डिसीज़न लेना, ठीक है? अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया है तो आप तुरंत से वज़न डाल के मत चलना लगना, धीरे धीरे से आप स्टेप लेना तो आपके लिए बेटर रहेगा, और आप अच्छे से रिकवर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।